बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माकड़ी वार्ड नंबर 9 के पंचायत सदस्य उपचुनाव की हुई मतगणना। माकड़ी पंचायत के उपचुनाव में भाजपा के सुखदीप सिंह ने कांग्रेस की सबिता को 326 वोटों से हराया। रिटर्निंग अधिकारी अनिल कक्कड़ की अगुवाई में उपचुनावों की मतगणना की गई। माकड़ी पंचायत के उपचुनावों में भाजपा के सुखदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपने बाढ़ की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और निष्पक्ष काम करेंगे। उन्होंने बताया कि लोगों के प्यार से आज उनकी जीत हुई है। उन्होंने माकड़ी पंचायत की जनता का धन्यवाद किया और जिन्होंने मत देकर विजय बनाया है, और उन्होंने कहा कि वो अपने कामों को बिना पार्टी के करेंगे और पंचायत में सभी के कामों को निष्पक्षता से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर आजकल पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, गोविंद सिंह ठाकुर ने पूर्व भीरवदा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए परिवहन विभाग में अनेकों गलतियां होने का आरोप लगाते हुए उन गलतियों को ठीक करने में ही उनका काफी समय लगने की बात कही है। यही नहीं, गोविंद सिंह ठाकुर ने 2014 और 15 से विभाग से संबंधित पेंशन होल्डर, ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक के रुके हुए कई लाभों को देने की बात कहते हुए अब एचआरटीसी की सही पटरी पर चलने का दावा भी किया। वहीं परिवहन मंत्री ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल बस का सहारा लेने की बात कही, जिसके पहले चरण में राजधानी शिमला को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल बसें चलाने के बाद मनाली व धर्मशाला की सड़कों पर भी इलेक्ट्रिकल बसें दौड़ाने का प्लान तैयार किया है। वहीं गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएं ताकि प्रदूषण की समस्या को दूर कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। मगर शिक्षा अभियान के तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला स्वारघाट में विकलांग बच्चों के लिए एक दिवसीय खेलकूद व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ समग्र शिक्षा अभियान के खंड परियोजना अधिकारी जगदीप सिंह ने किया। इस खेलकूद व चित्रकला प्रतियोगिता में 12 छात्रों और 12 छात्राओं को मिलाकर कुल 24 बच्चों ने हिस्सा लिया। खेलकूद में 11 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 100 मीटर दौड़ व 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 50 मीटर दौड़, लोकोमोटर बच्चों के लिए असिस्टेंट बॉक व गोला फेंक प्रतियोगिताएं करवाएगी। अंत में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्वारघाट के प्रधानाचार्य कुलदीप चंद शर्मा ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान प्रधानाचार्य कुलदीप चंद शर्मा ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्टूडेंट्स का आईक्यू जाना। राज्यपाल ने स्टूडेंट्स से सामान्य ज्ञान आधारित सवाल भी पूछे, जिनके स्टूडेंट ने सही उत्तर दिए। ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए कॉलेज स्टूडेंट ने राज्यपाल ने पहला सवाल पूछा कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ, और दूसरा सवाल था कि सुबह 5 बजे कौन कौन उठता है, खेल कूद और योग करने वाले बच्चे कौन कौन है। इसके बाद राज्यपाल ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी किस किसने पढ़ी है। राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों पर चंद एक स्टूडेंट द्वारा ही जवाब के लिए हाथ खड़े करने पर उन्होंने कहा कि मैं फिर से धर्मशाला आऊंगा और आपसे सवाल करूंगा, ऐसे में आप सभी को तैयार रहना है और अगली बार 100% स्टूडेंट्स के हाथ जवाब देने के लिए खड़े होने चाहिए। उन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट से अपनी सुरक्षा के लिए कराटे सीखने का आह्वान करते हुए हर क्षेत्र में आगे रहने की बात कही। राज्यपाल ने इंटरेक्शन विद स्टूडेंट कार्यक्रम को PM नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से जोड़ते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया।
प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज यंग इंडिया फिट इंडिया की युवाओं और स्टूडेंट की सबसे बड़ी जरूरत है। वही स्वच्छ भारत और नशा मुक्त हिमाचल भी जरूरी है। स्टूडेंट को करेक्टर बिल्डिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मशाला में विभिन्न स्थानों का दौरा करके अपना दिन बिताया। राज्यपाल ने सर्वप्रथम तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा से मैक्लोडगंज में मुलाकात की। वहीं शिमला के बाद धर्मशाला में भल्ला घुमाया। एचपीसी स्टेडियम में एडीजीपी 11 और आईजी 11 की टीमों के मध्य खेले गए मैच में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बल्ले पर हाथ आजमाया। पत्रकारों से बातचीत प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मशाला स्टेडियम बेहद खूबसूरत है और स्टेडियम पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। स्टेडियम प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का स्टेडियम निर्माण में खासा योगदान रहा है तथा वो स्टेडियम सहित क्रिकेट में भी रुचि रखते हैं और उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का भी आशीर्वाद लिया है। राज्यपाल ने कहा कि दलाई लामा की भारत और भारत की जनता के बारे में कमिटमेंट सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का मानना है कि भारत में शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन व मूल्यों पर ज्यादा जोर देना चाहिए।